सो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल थिंग्स को और प्रेस कर दीजिए उस बेल के आइकन को ताकि फ्यूचर में आप हमारी वीडियो मिस ना करें और सबसे पहले देखें हमारी गेमिंग वीडियोस को। सो हाय एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑल थिंग्स में। और फ्रेंड आज के वीडियो का आप टाइटल देख लिया होगा और थंबनेल देख के आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड। तो आज की वीडियो में मैं आपको गेम प्ले दिखला रहा हूँ। नीचे आपको एक इंस्टॉलेशन वीडियो की लिंक मिल जाएगी जो कि इसी 2K18 की है। पहले आप पूरा गेम प्ले देख लीजिए, अगर आपको पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन खोलिए और डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा उस गेम प्ले को, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि ये 2K18 मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, एकदम रियल की तरह है ये फ्रेंड। ये जो मोड है, मोड ना कह के हम इसे रियल 2K18 ही कहेंगे फ्रेंड। तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी सारी फाइल्स की लिंक प्लस में जो इसकी वो है इंस्टॉलेशन वीडियो की लिंक भी आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड इसमें प्लेयर्स काफ़ी नए नए हैं, पर मैं अभी आपको जल्दी से मैच करके दिखाता हूँ। रैंडी ऑर्टन वर्सेज जॉन सीना का एक देख लीजिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छे मतलब इसमें प्लेयर है। हालांकि आप जो नीचे मेरी वीडियो है उसमें जाके देखेंगे तो मैंने उसमें अलग मैच कराया है। और फ्रेंड आप इसमें एरिना भी अपने चूज़ कर सकते हैं, हालांकि काफ़ी इसमें लॉक्ड है पर उन्हें आपको अनलॉक करना होगा, खेलेंगे तो खेलने के हिसाब से वो अनलॉक होते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड अब आप गेम प्ले इन्जॉय कीजिए जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन रसलमेनिया मैच। तो फ्रेंड गेम की ग्राफिक जो है काफ़ी अच्छी है, किसी भी मामले में रियल 2K18 से कम नहीं है फ्रेंड ग्राफिक इसकी। तो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस इतनी अच्छी 2K18 का मज़ा ले सके फ्रेंड। और कमेंट करिएगा नीचे अगर कोई प्रॉब्लम है। वैसे कोई प्रॉब्लम आएगी तो नहीं, बहुत ही इजीली आपके एंड्रॉयड डिवाइस में वर्क कर जाएगा, इसमें कोई दाव पेच हमें अपने लगाने नहीं है। हालांकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो नीचे मैंने इंस्टॉलेशन वीडियो की लिंक दे रखी है, एक बार जाके ज़रूर देखिएगा फ्रेंड। वो कुल मतलब 10 मिनट की वीडियो, उसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज संडे था तो मुझे लगा इसलिए वीडियो दोबारा बनाना चाहिए ताकि जिन्होंने नहीं देखी होगी वो देखेंगे। तो फ्रेंड ग्राफिक देखिए एकदम रियल लग रहे हैं, 6 एप्स दिख रहे हैं सबके। और फ्रेंड फ्रेम स्कीपिंग, अगर आपकी गेम धीरे चले तो फ्रेम स्कीपिंग में मुझे बस एकमात्र यही बताया फ्रेम स्कीपिंग बढ़ाना। ज़्यादा मुझे PSP की सेटिंग पता नहीं है, कभी उतना कोशिश नहीं करी जानने की। तो फ्रेंड प्लीज़ अब तो वीडियो का एंड होने वाला है, तो प्लीज़ यार एक लाइक दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो न्यू व्यूवर्स हैं, और कमेंट करिएगा अगर कोई प्रॉब्लम आए तो। और फ्रेंड देखिए जब प्रॉब्लम के बाद आप कमेंट कर लेते हैं, अगर आपकी गेम चल गई तो एक कमेंट थैंक्स वाला भी कर दीजिएगा। इससे होगा क्या, मुझे एक टाइप का ग्लूकोज टाइप का मिल जाएगा जिससे मैं और अच्छे से आगे की वीडियो बनाऊँगा फ्रेंड्स। तो संडे था तो ये संडे की मेरी दूसरी वीडियो है, एक मैं GTA 4 के ऊपर भी डाल चुका हूँ फ्रेंड, संडे का GTA 4 अपडेट, तो उसे भी आप जाके देख सकते हैं। हालांकि गेम मुझे सभी का वो भी काफ़ी GTA 4 कब आएगी तो इसके ऊपर सब अपना ओपिनियन दे रहे हैं, तो मुझे लगा मुझे देना चाहिए और मेरा वाला शायद सबसे अच्छा है फ्रेंड। आप जाके एक बार वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको एक बेटा APK की भी लिंक मिल जाएगी जिसे एक बार आप ट्राई करना, काफ़ी अच्छा है वो। और फ्रेंड्स इसमें मूव सेट जो है काफ़ी अच्छे डाल दिए गए हैं फ्रेंड इसमें मूव सेट्स, और मैं सिग्नेचर देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसमें रैंडी ऑर्टन हूँ और काफ़ी अच्छा मैच हो रहा है। तो फ्रेंड देखिए अभी तक तो दे नहीं पाया है सिग्नेचर इसे, और ये तो फ्रेंड देखिए सिग्नेचर भी काफ़ी अच्छा। और फ्रेंड जो लास्ट में इसकी स्टोरी होती है ना इस गेम में, मतलब देखिएगा आप लास्ट में खुद देख लीजिएगा। और फ्रेंड इसमें काफ़ी अच्छी स्टोरी है, मैच के बीच में कोई भी आ जाता है और ये सब वगैरह, मतलब खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़े आते हैं। और ये देखिए इसे पड़ा एक RKO, अरे नाना बच गया ये तो, नेक्स्ट टाइम नहीं बचेगा, कोई नहीं। और ये RKO। तो फ्रेंड गेम देख सकते हैं, मुझे इतना मज़ा आ रहा है खेलते हुए, आपको भी काफ़ी मज़ा आएगा, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए इस गेम को फ्रेंड। टू SBR 11 में ये मोड चलता है, तो अगर आपके पास SBR 11 है फ्रेंड्स तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। सिंपली क्या करना है आपको, इसकी 76 MB की इसकी एक PSP सेव डेटा फाइल है, उसे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तो ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए चैनल ऑल थिंग्स।